सो टुडे आई विल डिस्कस दिस लेक्चर शब्द के लक्षण एंड शब्द के भेद एंड शब्द वृत्तियाँ। ये तीन टॉपिक आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। देन अपन शब्दीग्रह हेतु और वाक्य का स्वरूप और वाक्य अर्थ है ये अगले लेक्चर में अपन इनकी बात करेंगे। तो आइए अपन देखते हैं शब्द क्या होता है। तो देखो अपन देखें शब्द के लक्षण अपन देखें तो शब्द क्या होता है यहाँ पर देख तो शब्द वर्णों का है ना, वर्णों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। ध्यान रखना, वर्णों के अक्षर को मिलाने वाले समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, ये जो शब्द है जैसे मान लो वर्ण क्या होते हैं है ना, वर्ण में बात करो अपन वन बाय वन बात करें है ना, वर्ण क्या होता है। तो यहाँ पर अपन देखें जैसे कि मान लो मेरा नाम क्या है, विपिन है ना, तो मेरा नाम विपिन है तो देखो मैं लिखता हूँ वी पी न है ना, तो एक न एक पी और एक वी, ये तीन वर्ण मिलकर विपिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, विपिन। तो ये विपिन क्या हो जाता है, शब्द हो जाता है। ध्यान रखना क्या हो गया, शब्द हो गया। ठीक है, तो ये जो वर्णों का जो समूह है, वर्णों का जो समूह वो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। अब ये जो शब्द होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, चार। पर ध्यान रखना यहाँ से बेटा क्वेश्चन आएगा है ना, इंपॉर्टेंट पाँच नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि शब्द के परिभाषा तथा उसके भेदों का वर्णन करो, या पूछ ले एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि शब्द के भेद कितने होते हैं, तो आपको बता होना चाहिए चार भेद होते हैं इसके। अब वो कौन कौन से हैं, आओ उनको अपन डिस्कस करें। देखो शब्द के जो भेद होते हैं वो विमान स्थान में चरक ने कितने बताए हैं, चार बता रखे, दृष्टांत अदृष्टांत, फिर आता है सत्य और अनर्थ। ठीक है, सत्य और अनर्थ। देखो देखते हैं अपन दृष्टांत अदृष्टांत सत्य अनर्थ। पहले तो ये ध्यान रखना, दृष्टांत अदृष्टांत दो कॉम्बिनेशन हो गया, सत्य और अनर्थ। अनर्थ माने होता है झूठ बोलना, क्या होता है, झूठ बोलना, ये क्या हो गया, अनर्थ। ये दो एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। ठीक है, अपन इनको देखते हैं, ये यहाँ पर भी वही बता रखा, दृष्टांत अदृष्टांत सत्य और अनर्थ, ये शब्द के भेद। अब इसमें अपन शब्द को समझे, शब्द होता क्या है। ठीक है, शब्द को अपन समझे तो शब्द क्या होता है, देखो देखते हैं अपन। तो जिस वाक्यों में वर्णित विषयों को इंद्रिय द्वारा ग्रहण किया जा सकता है उसे दृष्टांत कहते हैं, भिन्न भिन्न प्रमाणों से ज्ञान प्राप्ति के योग्य उसे दृष्टांत कहते हैं। यानी ये बोल रहा जिन वाक्यों में वर्णित विषयों को इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है ना, जैसे कि असात्म इंद्रिय संयोग हो, प्रज्ञा प्राप्त और परिणाम, ये चीज़ अपन क्या करते हैं, विजिबल होती है, अपने को दिखाई दे रही है ना, जैसे षट उपक्रम ये अपन जानते हैं दिखाई दे रहे। तो दृष्टांत मतलब कि जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है वो सारे जो शब्द होते हैं वो कौन से शब्द होते हैं, दृष्टांत शब्द होते हैं, इनको आप ध्यान रखना बेटा। और क्या एग्जांपल है, असात्म इंद्रियों को संयोग हो, प्रज्ञा अपराध और परिणाम, जो कि रोग के तीन कारण होते हैं, यही कारण अपने को दिखाई देते हैं। तो वाक्यों में वर्णित जो विषय हैं उनके द्वारा जो ग्रहण किया जा सकता है उसे दृष्टांत कहते हैं, इन चीज़ को आप ध्यान रखना। ठीक है, फिर अपन बात करें अदृष्टांत किसे कहते हैं, अदृष्टांत की यदि बात करें तो उसे किसे कहते हैं, यहाँ पर अपन देखें अदृष्टांत, अदृष्टांत किसे कहते हैं, जो इन रिलेटेड चीज़ें होती है ना, जिन वाक्यों के वर्णित विषयों को इंद्रिय द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है उन्हें दृष्टांत कहते हैं है ना, क्या कहते हैं, अदृष्टांत कहते हैं, जिसे वर्णित विषयों को जो इंद्रियों के द्वारा अपन ग्रहण नहीं कर सकते है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। और वहाँ पर ध्यान रखना इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है उसे तो क्या कहते हैं, दृष्टांत, और नहीं किया जा सकता उसे कहते हैं अदृष्टांत। जिस प्रकार से मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म को थोड़ी पता है अपने को, मोक्ष क्या होता है देखा थोड़ी है, तो इंद्रियों के द्वारा जो नहीं ग्रहण किया जा सके उसे अदृष्टांत कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ को आपको देना। अब अपन चलें सेकंड पे, थर्ड क्या इसका है, तो थर्ड भेद क्या होता है इसका, सत्य, सत्य या ट्रूथ। तो जो शब्द जैसा कहा गया है वैसा ही हो, जो यथार्थभूत हो उसे शब्द सत्य शब्द कहते हैं। जैसे आयुर्वेद के उपदेश ऑलवेज ट्रू है ना, हमेशा क्या होगा, सत्य होंगे। ठीक है, साध्य रोगों की सिद्धि के उपाय, तो साध्य रोगों का तो क्या किया जा सकता है, ट्रीटमेंट किया जा सकता है, लेकिन असाध्य का किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, तो ये चीज़ सत्य है, तो ये शब्द सत्य कहलाते हैं। ठीक है, अपन चलते हैं असत्य में, अनर्थ जिसको बोलते हैं उसका मतलब होता है झूठ बोलना। ठीक है, जो सत्य के विपरीत हो, जैसे अपन ने पहला देखा था दृष्टांत, फिर इसके अपोजिट देखा अदृष्टांत। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कौन सा, सत्य, और फिर क्या देख रहे हैं, अनर्थ है ना।
तो ये अनरज जो है वो सत्य के विपरीत है। तो मृत सजीव को शरीर को सॉरी शरीर को क्या होती है, वेदना होती है। लेकिन वेदना कैसे हो सकती है, डेड बॉडी को नहीं हो सकती थी, अनरत है, झूठ है। आंखों से सुनाई देना, अब आंखों से थोड़ी सुनाई देता, सुनाई तो कानों से देता है, तो ये झूठ सेंटेंस है। ठीक है, तो सेंटेंस ध्यान रखना, झूठे सेंटेंस को अनरत कहते हैं, सत्य सेंटेंस को क्या कहते हैं, सत्य कहते हैं। और दृष्टांत यानी कि जो इंद्रियों से जो दिखाई देते हैं वो कौन से हो गए, दृष्टांत जो इंद्रियों से नहीं दिखाई देता वो अदृष्टांत होता है। ठीक है, अब आती है शब्द अर्थ वृत्ति, या शब्द वृत्ति, या अपन बात करें शब्द अर्थ बोधक वृत्तियाँ क्या होती है। तो ध्यान रखना, वाक्यों का जो अभिप्राय का ज्ञान होता है ना, अपन देखें इसमें कि जो वाक्य के अभिप्राय का ज्ञान कराने वाली जो शक्तियाँ होती हैं उसे क्या कहते हैं, शब्द वृत्ति के दो, चाहे शब्द अर्थ बोधक वृत्ति के दो, एक ही बात है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर बात करते हैं शब्द वृत्तियाँ, शब्द अर्थ वृत्तियाँ चार प्रकार की होती, जिस प्रकार से अपन ने शब्द के चार भेद देखे थे, है ना, सत्य असत्य दृष्टांत और अदृष्टांत, ये देखे थे। उसी प्रकार शब्द वृत्ति के भी या शब्द अर्थ बोधक वृत्ति के भी चार भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान रखना अविद्या, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्य का, ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, अविद्या, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्य क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान लगाना। 5 नंबर का क्वेश्चन पेपर आउट लगा लेना, इंपॉर्टेंट आएगा आपके एग्जाम में, है ना। अब इनके मतलब अपन समझते हैं कि अभिधा क्या होता है, वन बाय वन अपन समझते हैं। अभिधा मतलब जो सीधा सदाई, है ना, सीधा उसका अपने को जब किसी शब्द का सामान्य अर्थ का में प्रयोग किया जाए, जो शब्द है उसका ओनली फॉर सामान्य अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है, जैसे अपन कहते हैं सिर पर चढ़ना। अब इसका मतलब ये हो गया कि डायरेक्ट कोई इंसान है उसके क्या होना, सिर पर वो चढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया, सामान्य अर्थ वो बता रहा है तो वो कहते हैं अभिधा। जबकि है ना सामान्य अर्थ ना बताए, जैसे कि अपन देखें जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, व्यंजना सॉरी लक्षणा बोलते हैं। अब कैसे अपन देखें इसको, तो जैसे कि यहाँ पर सामान्य अर्थ नहीं हो सकता, जैसे कि जब किसी शब्द का सामान्य अर्थ प्रकट न होकर अन्य अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, लक्षणा शक्ति कहते हैं। दूसरी शक्ति कौन सी हो गई, शब्द के अर्थ को बताने वाली जो प्रकट न हो, सामान्य अर्थ न प्रकट करता हो, जैसे गंगा या कौशब, मान लो कि ये कोई नदी है ना, ये यहाँ पर पानी बह रहा है। अब इस नदी में पानी बह रहा है तो गंगा पर कुटी है, मान लो गंगा नदी है, इस पर साइड में क्या हो गई, एक कुटिया बना दी मैंने, है ना, तो ये साइड में है ना कि गंगा के ऊपर, तो कुटिया थोड़ी हो सकती है, इस पानी के ऊपर कैसे कुटिया होगी। तो ध्यान रखना एक थोड़ा सेंटेंस क्या है, जो सामान्य अर्थ प्रकट कर रहा है वो नहीं कर रहा है ना, जैसे सिर पर चढ़ना एक सामान्य अर्थ था, हम चलो मान सकते, लेकिन आप मान सकते हो क्या, गंगा पर कुटिया, गंगा पर कुटिया थोड़ी, गंगा के समीप कुटिया हो सकती है, ये कहना चाहिए अपने को। तो ये कौन सा एग्जांपल हो गया, लक्षणा का हो गया। ठीक है, अब अपन चलते हैं वापस किस पे, तीसरे नंबर पे व्यंजना पर। व्यंजना मतलब कि जो वाक्य का अर्थ या लक्ष्य है ना, जो वाक्य का अर्थ बताने वाला है या जो लक्षण का अर्थ बताने, किसी तीसरे ही अर्थ का अवबोध कराता है ना, किसी तीसरे ही अर्थ का अवबोध कराता है वो क्या कहलाता है ना, तीसरे ही अर्थ का अवबोध कराता है उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चे की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर पिताजी उसने क्या कहते हैं, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, तुमने मेरा नाम रोशन किया, जबकि बच्चा क्या हो गया, फेल हो गया। तो जब बच्चा फेल हो जाता है तो बाप उसे ये थोड़ी बोलेगा क्या कि तूने अच्छा काम किया, लेकिन वो किस वे में कह रहा, व्यंग के रूप में कह रहा, उसे टोन कस रहा है ना, तो ये ध्यान रखना ये व्यंजनाओं की। ठीक है, व्यंग्य के रूप में कहना क्या होती है, व्यंजना। अब लास्ट पढ़ते हैं अपन कौन सी शब्द वर्ती, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जिसके अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ को लिया जाता है। जिस प्रकार से सेंधव को यदि आप खाना खाने बैठे हो ना, एक तो सेंधा नमक होता है और एक क्या होता है, सेंधा घोड़ा को भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना यदि अपन खाना खाने बैठे हैं, टेबल पर बोल रहे हैं सेंधव लाओ, तो आपको क्या नमक ला के देना पड़ेगा, जबकि आप कहाँ आ गए, युद्ध में आ गए है ना, और वहाँ पर आप सिपाहियों को वगैरह सहो मेरे सेंधव लेके आओ, तो वो घोड़े लाएंगे आपके लिए है ना, वहाँ सेंधा नमक नहीं लाएंगे। तो तात्पर्य क्या है, यानी कि अलग अलग तात्पर्य अलग अलग स्थान के अनुसार उसका अर्थ लिया जाता है। ये यहाँ पर क्या देखा अपन ने, शक्ति या शब्द वृत्ति के शब्द अर्थ बोधक वृत्तियाँ अपन ने पढ़ी, शब्द के प्रकार देखे। ठीक है, तो यहाँ पर आज अपन इसी 2 टॉपिक के बारे में बात करते हैं, थोड़ा लेक्चर क्या लंबा हो जाएगा वरना। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन।